स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कोनिक सेक्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपको अगर कोर्स चाहिए, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है 9709710882। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ पाराबोला और किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में आपके, तो बढ़िया समझिए। इसके पहले भी लेक्चर हम बहुत सारा दिए हैं इसके ऊपर, पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्या है इक्वेशन, कैसे लिखा जाता है सिखाए हैं, उसके बाद कोनिक सेक्शन क्या होता है सब कुछ बताए हैं। तो सब कुछ सिस्टमेटिक तरीका से देखने के लिए आप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और फिर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोर्स को लीजिए आप। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए बढ़िया से। यहाँ पे हम पहले एक फिगर बनाएंगे। देखिए ऐसे फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये एक्स ओ एक्स डैस, वाई ओ वाई डैस क्या है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है ना। ये आपका डी डी डैस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो है पी ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेते हैं। फोकस लिया गया है ए जीरो, ठीक है ना। फोकस तो दिया रहता है हमेशा, मतलब एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन हमेशा गिवन रहता है कोनिक में। ये कोनिक से आपको पैराबोला, कोनिक पैराबोला का मतलब कि फिगर है, ठीक है ना, पैराबोला है। और इसका इक्वेशन क्या होगा इसको हम लोग को देखना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया से इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पहले जो बातें इसमें हैं उनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे लेट एक्स ओ एक्स डैस एंड वाई ओ वाई डैस एक्स ओ एक्स डैस y o y डैस, है ना, आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्लियर। एंड लेट a इज ग्रेटर देन जीरो, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझिए। यहाँ पे राइट हैंड पैराबोला की बात हो रही है, सब कुछ बताए थे, राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या होता है, सब कुछ बताए थे, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर लिखेंगे लेट अस कंसाइडर अ पैराबोला, ये सब बात लिखना पड़ेगा तब ना नंबर मिलेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। कंसाइडर अ पैराबोला, कंसाइडर अ पैराबोला हुज फोकस, हुज फोकस इज एफ ए जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस आपका क्या है ए जीरो है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, कौन सा लाइन है, डी डी डैस हुज इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन इज एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। एंड पी एक्स वाई इज क्या होगा, एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन पैराबोला, ठीक है। सो पैराबोला का डेफिनेशन से क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, पी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एम हो गया। इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, पी एफ का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, पी एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी एम का स्क्वायर, नो तब स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग पी एफ निकालेंगे, पी एफ क्या है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। और ये पी एम क्या है, पी से एम क्या है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूरी जो है लंबवत दूरी है। और आपको पता होगा कि क्या होता है लंबवत, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, है ना, नहीं लिख रहा है क्या होता है, देखिए यहाँ लिखते हैं d इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स वन प्लस
प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट करते हैं। ऐसे करते हम लोग, ऐसे करते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइन क्या है, x प्लस ए है, x प्लस ए है। पॉइंट क्या है, एक्स वाई है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x, ठीक है। मतलब इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए बराबर क्या है, जीरो है। इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस जीरो वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, यही ना होगा। अब इस x के स्थान पे और y के स्थान पे क्या होगा, फिर दिया है पॉइंट एक्स वाई ही दिया है, ये लोकस के फॉर्म में दिया है, किसी पॉइंट का लोकस है क्योंकि पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का पिक्स लिखा प्लस ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका जीरो है, ये पार्ट आपका क्या है, समझिए ध्यान से, ये पार्ट क्या आपका, ये पार्ट तो जीरो है आपका, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस ये तो ख़त्म हो गया, ये ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मॉड यहाँ पे है, फिर वन का स्क्वायर वन, अब प्लस वाई के साथ जीरो है तो जीरो का स्क्वायर रूट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके बताया था ना, वैसे ही करेंगे। मॉड है, मॉड के यहाँ पे मतलब कोई नहीं रह जाता है क्योंकि स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, नीचे रूट अंडर वन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मिल गया हम लोगों को एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा वाई का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर ए बी होता है, फोर एक्स हो गया। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, फोर एक्स के इक्वल हो गया, और यही क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, समझ रहे ना। तो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे वेयर एक बात याद रखना पड़ेगा, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसे ही ऑप्टेंड करते हैं। अब इसका रिवर्स आपको नहीं जानना, आप कन्वर्सली कि अगर पॉइंट कोई है जो इसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो पैराबोला पे ही होगा, इस बात को मतलब कि यहाँ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ऑप्टेंड कर दिए फॉर्मूला, हम इसको आप लिख देंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपको थ्योरेटिकली लिखना है, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब आगे हम लोग कुछ इसमें बात समझते हैं क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। एक पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्म वन कह सकते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला कह सकते हैं। इस पे एक पॉइंट एक्स वन वाई वन पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा समझना है, टेंजेंट क्या होता है आपको पता है, तो कैलकुलस मेथड से हम बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं। और सीखने वाली बात क्या है समझिए बढ़िया से, कि कोनिक सेक्शन में कोनिक के लिए टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं भी जानना पड़ेगा आपको, सब कुछ समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है ना। एंड गिवन पॉइंट, पॉइंट भी मेंशन किया गया है, इज एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट इस पे गिवन है। देयरफोर रखिए थे यहाँ पे वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फोर ए एक्स वन हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, नाउ लिखते हैं लेट, इस इक्वेशन को लेते हैं एस, एस इज सिमिलर टू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर एक्स मतलब इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इससे करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा ना, इसको एस मान लिया हमें। चलिए अब क्या है कि स्लोप निकालने के लिए देखिए करते क्या है हम लोग,
स्लोप निकालने के लिए कहानी क्या है, उस कहानी में चलेंगे हम लोग, क्या लॉजिक है उस लॉजिक में चलेंगे हम लोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया रहेगा ना ऐसे ऐसे, देखिए समझिए बढ़िया से, ऐसे एफ एक्स पैरामेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स वाई बराबर जीरो, क्योंकि देखिए एक्स और वाई मिक्स है इसका दिया रहेगा, तो क्या करेंगे एम इक्वल टू क्या होता है, एम मतलब स्लोप, स्लोप किसका, टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, तो हम लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस लगा के, समझ रहे ये वाई है यहाँ पे, मतलब हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको टेक्निकली, ये बहुत ही सुंदर तरीका है निकालने का, समझे ना, बहुत ही सुंदर तरीका है इस तरह से इसका स्लोप निकालने का, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स क्या हो जाएगा देखिए, तो जैसे डेल्टा मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखे हैं ना, डेल एस बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई वाला कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका क्या होगा माइनस फोर ए एक्स का होगा डिफ्रेंसिएशन, तो मतलब क्या होगा सिर्फ माइनस फोर ए निकला, या डेल एस अपॉन डेल एक्स किस पे एक्स वन वाई वन पर निकाल रहे हैं, तो इसमें तो एक्स है नहीं तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा फोर ए हो गया, एंड एंड डेल एस अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि जो एक्स वाला टर्म है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है पूरा कॉन्स्टेंट है पूरा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होगा डिफ्रेंसिएशन टू वाई हो जाएगा, है ना, तो देयरफॉर डेल एस अपॉन डेल वाई एट एक्स वन वाई वन क्या होगा, ये हो जाएगा आपको टू वाई की जगह पे वाई वन लिख देंगे, ये आपका मिल गया, ठीक है, क्या होगा आपका मिल गया, ये आपका मिल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, देयरफॉर स्लोप एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल एस अपॉन डेल एक्स बाई माइनस में डेल एस अपॉन डेल वाई, डैट मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू कितना आया है माइनस फोर ए, तो माइनस फोर ए प्लस फोर ए हो जाने वाला है, अपॉन क्या होगा डेल इसका टू वाई वन हो जाएगा, डैट मीन्स हमको क्या मिला एम इक्वल टू, ये हो जाएगा टू से कट जाएगा दो बार में, तो प्लस टू ए अपॉन क्या होगा वाई वन होगा, ये आपका हो गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन क्या होता है, मतलब क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स, एम का मतलब यही स्लोप जो लिखे हैं डीवाई बाई डीएक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट करने वाले हैं, तो वाई माइनस वाई वन तो रहेगा ही, एम का मान आया है टू ए अपॉन वाई वन, वाई वन आया है ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे हम लोग। अब लोग थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लीजिएगा तो ऊपर वाला मिटा के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज है यहाँ पे इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। चलिए तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे रखेंगे वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई क्या होगा मल्टीप्लाई करें, बोलिए क्या होगा मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हम लोग तो वाई वाई वन है ना, वाई इंटू वाई वन माइनस देखिए क्या होने वाला है वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होना ही होना है कि नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अच्छा यहाँ से 2x से तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2a से, तो 2ax माइनस 2ax1 और y माइनस y1 माइनस इसका वैल्यू क्या है फ्रॉम 1 से 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, कहाँ से फ्रॉम 1 x निकाल दिया हमने,
यहाँ पे y माइनस वाई वाई वन इक्वल टू 2ax हो जाएगा, और माइनस टू है प्लस टू, अगर फोर होगा तो क्या होगा प्लस टू हो जाएगा, टू ax1। तो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा फाइनल रिजल्ट, क्या मिला हमको y वाई वन इक्वल टू 2a कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस एक्स वन मिल गया, x प्लस एक्स वन मिल गया। तो यही क्या हो गया हमारा टेंजेंट का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया पाराबोला के लिए, ठीक है ना। एक्स वन वाई वन पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है बालक, पॉइंट एक्स वन वाई वन है। कंप्लीट जब पूरा सीरीज देखेंगे ना वीडियो का, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये एक्स वन वाई वन पॉइंट पर क्या किया हमने, एक शानदार क्या हुआ, शानदार आपका एक लॉजिक बन गया और समझ में आ गया, आ जाना चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम लोग ये मतलब कि बना रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। अब कुछ कंडीशन भी होता है, कंडीशन भी होता है, उसको समझिए। थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म भी समझना चाहिए आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखने हैं, रिमेंबर करने हैं। क्या याद रखने हैं समझिए ध्यान से, रिमेंबर पाराबोला जो है यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है। अब पॉइंट मेंशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले नंबर में पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है, एक्स वन वाई वन है। तो हमने क्या निकाला है टेंजेंट का इक्वेशन, बताइए क्या निकाला है। तो बड़ा प्यार से है, तो वाई वाई वन इक्वल टू टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन। इस स्टैंडर्ड फार्मूला से ही सारा कहानी समझते हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं, इसकी बेस में सब बनता है। दूसरा, अगर हम लोग पॉइंट रख दें क्या, एक्स इक्वल टू मतलब ऐसे ए टी स्क्वायर, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन ही बोलेंगे इस पैराबोला के लिए, तो ए टी स्क्वायर और टू ए टी रख दे तो क्या होगा, इसी चीज़ को एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की जगह पे ये रखना है, एक्स वन की जगह पे इतना रख दीजिए, वाई वन की जगह पे इतना रख दीजिए, तो क्या सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा। आप सोल्व कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान के चलिए वाई इंटू रखा टू ए टी स्क्वायर रख दिया, ठीक है, टू ए टी रख दिया इक्वल टू टू ए हमने रख दिया क्या, एक्स तो रहेगा यहाँ पे एक्स प्लस ए टी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये कट गया, दूसरे तो कट गया, तो क्या मिला हमको, हमको क्या मिला, हमको मिल जाएगा वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। और ये किस फॉर्म में, ये कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। पारा देखिए सिंपल बात जो समझिएगा तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें समझना पड़ता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनिए, अब हम लोग पॉइंट चेंज करते हैं, एक कंडीशन होता है इसको प्रूफ करेंगे हम। यहाँ पॉइंट का रख दिया हमने कि a अपॉन m, अभी क्या है सब कुछ समझाएंगे। 2a अपॉन m ये क्या होता है, लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन जब होता है तो उस समय की बात हो रही है। तो इस समय क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होगा। अब ये क्या है, इस कंडीशन को हम लोग प्रूफ करते हैं, इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, समझ रहे ना। तो एक कंडीशन, तो मतलब आइए हम लोग देखा जाए कि एक लाइन जो है एक पैराबोला को टच करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन को भी समझ लेते हैं, अभी पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। आइए देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए, कंडीशन डैट द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, मतलब एक पैराबोला जो है इसका क्या है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, आपको पता है। तो यहाँ पे एक पैराबोला जो है, कौन सा पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इक्वेशन वाला राइट हैंडेड पैराबोला है। इसको एक लाइन टच कर रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन को हम लोग अपटेन करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गिवन लाइन, गिवन लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लाइन के फॉर्म में, y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी वन मान लीजिए, एंड लिखेंगे, चलिए एंड नाउ इक्वेशन ऑफ, ये टेंजेंट की तरह है ना, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट
टेंजेंट, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करते हैं, और फिर टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला, गिवन पैराबोला, पैराबोला एट पॉइंट मेंशन करते हैं, कौन सा पॉइंट, तो ए टी स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है ना इस पैराबोला का इक्वेशन, और टू ए टी, ठीक है, तो क्या होगा, इज क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू, अभी हम बताए हैं ना, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है, डैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म लिख दिया हमने, इसको दो मान लीजिए। अब क्या है कि ये लाइन और ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ वन इज, ये तो टेंजेंट हो ही गया यहाँ पे, इसका इक्वेशन निकल गया, वन इज ऑल्सो अ टेंजेंट है ना एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे क्या हो, टेंजेंट हो, तो हम लोग कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए, तो जब दो लाइन एक दूसरे को ढकता है, इसे ओवरलेप करता है, कोलिनियर होता है, या सॉरी कह सकते हैं कि कोलिनियर है या पैरेलल है, तो क्या होता है, एक ए वन बट्टा ए टू, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू होता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे वाई के पास वन है, वन देर पर वन बाई, यहाँ पे टी है इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे एम मिल रहा है, माइनस एम बाई, माइनस सीधे एम बाई वन मिल रहा है, इज इक्वल टू इधर क्या मिल रहा है, सी बाई क्या मिल रहा है, ए टी स्क्वायर मिल रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमको ज़्यादा जल्दीबाजी किससे है, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों को बराबर करेंगे तो t इक्वल टू क्या होगा, वन बाई एम हो जाएगा, चल जाएगा इधर, t इक्वल टू वन बाई एम, एंड इसको इसको इक्वल करेंगे तो t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू c बचेगा, ये जाएगा इसके ऊपर आएगा, तो t से कट जाएगा तो ए टी बचेगा, तो हमको क्या मिला, हमको t का मान मिल गया, और यहाँ देखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो t का वैल्यू क्या है, a इंटू वन बाई एम है कि नहीं, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, देयर फोर, देखिए समझिए, अगर हम लोग लाते हैं यहाँ पे m इधर, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बाई सी हो जाएगा, या अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ इसी की, तो क्या होगा यहाँ बोलिए, इसलिए c इक्वल टू क्या हो गया, a बाई एम हो गया, c इक्वल टू क्या हो गया, a बाई एम हो गया, c का मान निकल गया a बाई एम। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं c का मान निकालने के बाद क्या किया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे, देयर फोर y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू लाइन यही ना है आपका, इस लाइन में क्या करेंगे, इसको रखेंगे ले आके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मान क्या होगा, a बाई एम होगा, क्या होगा, a बाई एम होगा, क्या किया हमने, इसको लेकर रख दिया, लिख देंगे यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम वन रख दिया लेके हमने, समझ में आया ना बात, तो ये क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, मतलब एक से लाएंगे या मतलब ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सिंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या, इसीलिए ऐसे हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को आराम से लिख लेंगे, यही कंडीशन होता है कि लाइन जो है इस पैराबोला को टच करेगा तो कंडीशन बनेगा, याद रहेगा ना बात, तो इस तरह से हम आपको इसमें इस लेक्चर में पैराबोला के ऊपर जो चीज़ें हो सकती थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हमने डिस्कस किया, और भी कुछ चीज़ें उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो अगले क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, इसलिए पूरे क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप सबका बहुत